यहाँ पर देख सकते हो कि ये भोलेनाथ जी का ड्रेस पहन के भीख मांग रहा, जो कि बहुत ही गलत है। बहुत ही पुराना एबेंडेंट बिल्डिंग है ये, अंग्रेजों के समय से ये बिल्डिंग है, लेकिन अभी पूरा खाली है। तो क्या बताएं उनके बारे में, हमारी बचपन का ही गुतरावली है और हमको पूरे मालूम है। अच्छा, वो दुकान पे हमारी आती जाती थी। अच्छा। और यहाँ पर बैठे उस टाइम कोई कामयाब थे नहीं। ओ, तो ये घर है मिथुन चक्रवर्ती का, जो बचपन में यहाँ रहते थे। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो इस वक्त मैं हावड़ा ब्रिज के ऊपर ही हूँ और ये शोर सुनाई दे रहा है। ये शोर कोलकाता का है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है कोलकाता में। और मैं आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं मिथुन चक्रवर्ती का घर जाने वाला हूँ, बॉलीवुड स्टार, जो कि हावड़ा में ही उसका एक पुराना घर है, जो कि बचपन बिता था मिथुन चक्रवर्ती का। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहना। और ये सामने में फेरी घाट है, हावड़ा ब्रिज के ही राइट साइड में फेरी घाट है। यहाँ पर लोगों से ज़्यादा तो गाड़ियाँ चलती है। यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर है, आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छी सुनाई दे रही होगी। और ये राइट साइड में ही ये हुगली नदी है। अभी मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल जोड़ा बगान जाना है, जो हावड़ा से 2.5 किलोमीटर दूर है। अभी मैं इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा मार्केट फूल मार्केट के पास हूँ। ऊपर में यहाँ देख सकते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, कोलकाता हावड़ा के पास ही है। तो अभी हम जाएंगे नीचे, उधर से नीचे जाएंगे इधर। ये आ गया मैं, सबसे बड़ा मार्केट, फूल का सबसे बड़ा मार्केट है ये। कैसे है माला भैया? बट यहाँ पर बहुत ही गंदगी है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पेपर बहुत सारे रोड पर ही फेंका हुआ है। आते हैं यहाँ, रेट पूछते हैं, पता करते हैं। कैसे है, कैसे है रेट? दाम 25 टका एक पीस। तो यहाँ पर इस ये फूल का जो दाम है वो 25 रुपया, काफ़ी सस्ता है। यहाँ पर बहुत सारे टाइप का, ये ब्लू कलर का है फूल। तो ये मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो अभी हम चलते हैं जोड़ा बगान, इस रास्ते से जाएंगे इधर से। ये अंडरग्राउंड टनल है, ऊपर ब्रिज था हावड़ा ब्रिज। और ये यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, इसके अंदर एक गाड़ी भी आ गया अंदर। यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर इतना कंजेस्टेड एरिया है, इतना ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो कि ये भोलेनाथ जी का ड्रेस पहन के भीख मांग रहा, जो कि बहुत ही गलत है। तो अभी मैं इस वक्त जगधात्री पूजा पंडाल के पास हूँ, और पूरे कोलकाता में जगधात्री पूजा अभी मनाया जा रहा है। और ये एक पंडाल है, ये अंदर में माँ है विराजमान, देख सकते हैं। ये कौन सा पूजा है? जगधात्री पूजा। अच्छा, ये पूरे कोलकाता में मनाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत पुराना एबेंडेंट बिल्डिंग है, देख सकते हैं, ये देख सकते हो, बहुत ही पुराना एबेंडेंट बिल्डिंग है ये, अंग्रेजों के समय से ये बिल्डिंग है, लेकिन अभी पूरा खाली है। तो मैं जोड़ा बगान आ गया हूँ, और ये
एक चाय दुकान है जहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती पर रोज आते थे चाय पीने के लिए। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पर, आपको मिलाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का घर किधर है? मिथुन चक्रवर्ती पुराना घर इधर ही है। तो मैं अभी इस वक्त वो चाय के दुकान के पास हूँ जहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती अपना बचपन यहाँ पर आके चाय पिया करते थे। तो अभी हम चलते हैं, आते हैं और बाबा से हम बात करते हैं। बाबा, मिथुन चक्रवर्ती का घर यही है पास में, आप बताइए। तो क्या बताएं, वो उनके बारे में हमारी बचपन का ही गुतरावली है और हमको पूरे मालूम है। अच्छा, वो दुकान पे हमारे आते जाते थे। अच्छा। और यहाँ पर बैठे उस टाइम कोई कामयाब थे नहीं। वो कितने उम्र के थे उस समय? अरे उस टाइम हम लोग हमसे थोड़ा सीनियर। हाँ, हमारे पिताजी के साथ। अच्छा, आपके पिताजी का ये उस समय थे दुकान चलाते थे? हम भी थे। और वो मिथुन चक्रवर्ती यहाँ काम करते थे? नहीं, काम नहीं करते थे, मतलब गरीब लड़के थे हमेशा। अच्छा, बैठा रहता था। अच्छा, वो घर इधर ही है ये साइड में? अच्छा, ये गली में है। और ये कितना साल पुराना ये दुकान? 100 साल पुराना है। तो चाय वाला दुकान इधर था, हम इधर से आए और अभी हमको इधर राइट साइड जाना है। और मेरे पीछे ही है जोड़ा बागान पुलिस स्टेशन। दादा, वो मिथुन चक्रवर्ती का घर कौन सा पुराना? बगल से जाएगा। अच्छा, जा जाएगा। हाँ, एक बड़ी छोड़, दो बड़ी छोड़। अच्छा, दो बड़ी छोड़। तो हम अभी पहुंच चुके हैं वो गली में जहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का घर था बचपन में। वो इसी गली में खेलते थे और घूमते थे, पंडित जी के यहाँ वो वहाँ बैठते थे। और इस गली से हम अभी इधर आए हैं और अभी हम इधर चलेंगे। दादी माँ, ये मिथुन चक्रवर्ती घर? अच्छा, कोई अच्छा ना बारी बिकले है। ओ, बारी हम लोग ये घर ये कहने छिलो है क्या ये? हाँ, ये बारी जो छिलो। हाँ, बारी बिकले ना ही इसमें नाम बनता है। हाँ, कितनों वर्ष हो गए सर मिथुन चक्रवर्ती घर छोड़े? बहुत चले गए थे, बहुत दिन मौसम तो वहाँ तक जन्म हुआ। हाँ, अच्छा, तो वहाँ तक 25-30 साल हो गए सर। हाँ, मौसम कितने? अच्छा, पूरे तुम्हारा बाबूजी मुझे सुना। हाँ, अच्छा, तुम्हें जाना नक्शा तो नहीं देखा? हाँ, हम लोग तो नक्शा। अच्छा, तो ये घर है मिथुन चक्रवर्ती का जो बचपन में यहाँ रहते थे और अभी नहीं रहते हैं और अब किसी और को दे दिए ये घर। और ये इस घर का नाम है कमला भीला नाम है ये घर का। और अभी इस घर में कोई है नहीं, ये दादी माँ बोले कुड़ी थी। अच्छा, तो आप लोग ये घर को देख लीजिए, ये घर 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और यहाँ जितना भी घर है सारे 100 साल से ज़्यादा पुराना। तो इसी गली में मिथुन चक्रवर्ती खेला करते थे। महाराज अग्रसेन चौक है ये, और यहाँ पर प्रतिमा बना हुआ है महाराज अग्रसेन का। तो हम यहाँ से सीधा जाएंगे। तो ये भाई साहब गन्ने का जूस जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जम के करिए। तो ऐसे ही वीडियो आपको मैं लाता रहूँगा।